In question number 5, it is given that a jar contains 24 marbles. Total marbles 24? Yes. So total marbles equals to 24. Some are green and others are blue. कुछ ग्रीन है और बाकी बचे हुए ब्लू है, तो कुछ ग्रीन का मतलब उन्हें हम सपोज कर सकते हैं एक्स. सो लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स बी एक्स और बचे हुए ब्लू है ना, सो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इक्वल्स टू, बताइए बचे हुए कितने हो गए. टोटल में से ब्लू हटा दीजिए, ग्रीन सॉरी टोटल में से ग्रीन हटाएंगे तो ब्लू रह जाएंगे, तो टोटल कितना है 24. 24 में से ग्रीन हटाना है तो 24 माइनस एक्स करेंगे तो ब्लू के बराबर ही आएगा. इतना क्लियर है? आगे लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन मार्बल इज 2/3, यानी आपने रेंडमली एक मार्बल निकाला और ग्रीन के निकलने के चांस 2/3 है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द जार. आपको ब्लू मार्बल्स की क्वांटिटी बतानी है, लेकिन क्वांटिटी तो तब बताएंगे जब प्रोबेबिलिटी का थोड़ा यूज करें, और यूज करने के लिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि ग्रीन के निकलने के चांस कितने हैं 2/3. तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स इक्वल्स टू हाउ मच 2/3. और हम फॉर्मूले से भी तो ग्रीन निकाल सकते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल. सो ग्रीन फेवर कितने कर रहे हैं एक्स, और टोटल कितने 24. So x upon 24 equals to 2 upon 3. Cross multiply करें या cancel हो सकता है पहले? Cancel. 3 8's are 24. अब ये multiply में जाएगा ऊपर. 8 2's are 16. ये x की value क्या है? ये green marbles की quantity आई है. लेकिन कब है? किसकी बतानी है? Blue की. So number of blue marbles equals to total में से ग्रीन हटाएंगे तो हमने पहले लिखा हुआ है 24 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 16, कितना हो जाएगा 8 आंसर. यानी उस बैग में ब्लू कलर के 8 मार्बल्स हैं उस जार के अंदर और ग्रीन मार्बल्स हैं 16. इज इट क्लियर? यस. नाउ योर क्वेश्चन इज फिनिश. वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 and 5 completely. So optional exercise is finished. Yes, ma'am. Now you have to complete this exercise.